नमस्कार, आप सबका मधु की रसोई में स्वागत है। आज हम मधु की रसोई में मिंट लेमनेट बनाने जा रहे हैं। क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है तो ठंडा पीने का मन करता है, तो ठंडा पीने के लिए इससे बढ़िया कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। मिंट लेमनेट में लगने वाली सामग्री है 2 ग्लास बना रहे हैं तो उसके लिए 2 नींबू लेंगे, 1 छोटा बाउल पुदीने की पत्तियां जिसको हमने अच्छे से धो लिया है, 6 चम्मच चीनी के और सोडा वाटर। तो सबसे पहले हमने शुगर सिरप बनानी है, यानी कि चाशनी बनानी है। तो उसके लिए हम गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन कर दी है, बर्तन रख दिया है, फिर तो उसमें हमने चीनी डाल देंगे, साथ ही हमने 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे और चाशनी को हम तब तक ही बनाएंगे जब तक कि चीनी घुल नहीं जाती है, यानी कि उबाल आ जाता है। उबाल आ चुका है और चीनी भी पिघल चुकी है, यानी मेल्ट हो चुकी है। अब गैस को बंद कर देंगे और इस सिरप को ठंडा होने के लिए रख देंगे। शुगर सिरप यानी जो चीनी की चाशनी है वो ठंडी हो चुकी है। अब हमने लेमनेट बनाना शुरू करना है, मिंट लेमनेट। तो उसके लिए हमने जार लेंगे, उसमें पुदीने के पत्ते डाल देंगे, नींबू का रस और शुगर सिरप। इसको हमने मिक्सी में पीस लेंगे। मिक्सचर पीस चुका है, अब इसको हमने छन्नी में छान लेना है। मिंट लेमनेट के मिक्सचर को पीसने के बाद हमने छन्नी से अच्छे छान लिया है, अब इसको हम सर्व करेंगे। तो उसके लिए हमने आइस क्यूब रख लिया है और सोडा भी रख लिया है। अब हम 2 गिलास लेंगे, उसमें हमने मिक्सचर डालना है, आइस क्यूब डालेंगे, और सोडा डाल देंगे। मिंट लेमनेट बनके तैयार है। ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा ड्रिंक है और ठंडक पहुंचाता है। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना भी ना भूले, ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो है आप तक तो पहले पहुंच सके।